करनाल से बड़ी खबर है। करनाल में गन पॉइंट पर 45 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। ये बड़ी खबर, करनाल में लूट की बड़ी वारदात। नेशनल हाईवे 44 पर हवेली के पास लूट की वारदात हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस और CIA की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गन पॉइंट पर 45 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। एक बड़ी लूट करनाल में और पुलिस चौकी नीलोखेड़ी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर नेशनल हाईवे 44 पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची है पुलिस और CIA की टीम, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये बड़ी खबर करनाल से सामने आई। करनाल में गन पॉइंट पर 45 लाख रुपए की बड़ी लूट की वारदात का मामला सामने आया। नेशनल हाईवे 44 पर हवेली के पास लूट की वारदात। हालांकि बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है सूचना मिलते ही और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। CIA की टीमें भी वहां पर पहुंची। 45 लाख रुपए विनीत के और राहुल के थे। तो कहां कहां जाना था इन्होंने? USA के। दो थाईलैंड बिठाए हुए हैं लड़के। तो आप इमिग्रेशन का काम करते हैं? कहां पे करते हैं? तो कौन लोग थे, किसके बंदे थे ये? तो आप पहचानते हैं उनको? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम। तो इतने लाख रुपए, 45 लाख रुपए लेके क्यों बुलाया था आपको हवेली के पास? पैसे देखने के लिए कि पैसे है या नहीं है, कभी हम बच्चों को फ्लाई करवा दे आपके पास पैसे ना। तो कैसे लेके चले गए फिर वो? बस वो गड्ढे में बिठाए जी, शो चेक करने के लिए जी। इसके बाद उसको नरेश जी को गन पॉइंट पर रख के चले गए जी कंट्रोल रूम से, कि हवेली से 45 लाख रुपए की स्नैचिंग हुई है। तो मैं भी मौके पर पहुंचा, जिस आदमी से स्नैचिंग हुई उस आदमी को हमारे इलाके में उतारा गया है। वो हमारे पास यहाँ चौकी में नीलोखेड़ी में मौजूद है। अब ये मुझसे पूछताछ कर रहे हैं सारे मामले की, कि क्या कुछ कहानी है ये बता रहे हैं अमेरिका भेजने के नाम के। पर यही पता लगा कि वो डोंकी के नाम के कुछ विदेश भेजने के नाम के पैसे थे, और वो लोग ये पैसे देखने के लिए आए थे कि वे पैसे इनके पास है कि नहीं। कितनी पार्टियों के कितने पैसे थे टोटल? दो पार्टियों के पैसे बताते हैं कि दो पार्टी। कमरजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। कमरजीत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? हवेली के पास एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, अगर बात करें तो देर रात का पूरा का मामला है, जो 45 लाख के करीब की लूट का मामला सामने आया। लूट है जहाँ डोंकी के नाम पर जो पैसे देने थे, एजेंटों को पैसे देने थे, ये मामला है। पुलिस फिलहाल मामले की पूरी जांच कर रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ लोगों को हिरासत में भी जरूर लिया गया, गिरफ्तारी की वारदात है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो करनाल नीलोखेड़ी पुलिस और उसके साथ अगर बात करें सदर पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम CIA की टीमों को रात मौके पर बुलाया गया था और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बातें ये निकल कर भी सामने आ रही कि विदेश में बैंकॉक से आगे भेजने के लिए जैसे ही पैसे करने के लिए उस एजेंट को पैसे दिखाने होते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी जो घटना हो जाती है और पैसों को लेकर पैसे छीन कर गन पॉइंट पर ले जाते हैं, एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में क्या सामने आता है, क्या इन लोगों ने पहले भी कोई ऐसे का काम किया है, तमाम तरह की जांच करनाल पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले को देख रही है जी। आरोपियों के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या ये फर्जी एजेंट है जो विदेश भेजने का जिन्होंने बहाना बना करके इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, या फिर इनका ये काम है? देखिए, अगर बात करें जब मुगल करनाल में एक ऑफिस था, जिस ऑफिस के जरिए जो ऑफिस में ही जो आगे सब एजेंट था, उस एजेंट के माध्यम से आगे पैसे दिए जाने थे। जैसे ही वो लोग बैंकों में बैठे हुए लड़कों को आके भेजने के लिए पैसे की फॉर्म बात किए जाती, 45 लाख रुपए आके दिखाने थे, दिखाते ही पैसे ही जैसे उन शख्स ने दिखाए, शिवा ने दिखाए, तो ये पूरी की पूरी घटना होगी। और पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं कि डोंकी का मामला है, पैसे का एजेंट का मामला है। फर्जी एजेंट तो होती है जो दो नंबर में लोगों को बाहर भेजे, बच्चों को बाहर भेजे, वो फर्जी तो होते ही है सारा का सारा मामला, जो डोंकी के माध्यम से बाहर जाते हैं, और इससे जुड़ा हुआ मामला जरूर है। पुलिस इसी बात से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हो सकता है कि देर शाम तक आज पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा कर देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कमरजीत। तो नेशनल हाईवे 44 पर हवेली के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।